मूवी का स्टार्ट एक लेडी मैरी से होता है जो अपने न्यू बॉर्न सन पीटर को रात में एक ऑर्फनेज के सामने छोड़कर चली जाती है। मैरी पीटर के गले में एक मिस्टीरियस सा नेकलेस पहनाती है और उसके लिए एक लेटर भी छोड़कर चली जाती है। सीन्स World War II में शिफ्ट होते हैं जहाँ पीटर बड़ा हो चुका होता है। वर्ल्ड वॉर की वजह से हालात बहुत खराब होते हैं और ऑर्फनेज के बच्चों को खाने में बहुत कम चीजें मिल रही होती है। भी एक दिन पीटर को ऑर्फनेज की ओनर मदर बार्नबस पे शक होता है कि वो बच्चों से झूठ बोल के सब खाना अपने लिए स्टोर कर रही है, जिस पर पीटर अपने बेस्ट फ्रेंड निप्स के साथ मदर बार्नबस के रूम में जाता है जहां उन्हें बहुत सा खाना स्टोर मिलता है और बहुत से पैसे भी मिलते हैं, जो उन्हें लगता है कि मदर बार्नबस बच्चों को सेल करके जमा कर रही है, क्योंकि बहुत टाइम से ऑर्फनेज से बच्चे अचानक रातों रात गायब हो रहे थे। एक्सप्लोर करते हुए ये दोनों रिकॉर्ड रूम में चले जाते हैं जहाँ पीटर को उसके मदर का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो पीटर से बहुत प्यार करती हैं और पीटर कोई ऑर्डिनरी बॉय नहीं है। वो पीटर से इस वर्ल्ड में या दूसरे वर्ल्ड में जरूर मिलेंगी। उतनी देर में मदर बार्नबास उन दोनों को ढूंढने वहाँ पहुँच जाती है और चोरी की सजा भी देती है। पीटर जब उनसे लेटर के बारे में पूछता है तो वो उससे कहती है कि वो भी आम बच्चा है जिसके घर वालों ने उससे जान छुड़वा के उसे यहाँ भेज दिया है और उसे कोई भी ढूंढने नहीं आएगा। इस सब से पीटर बहुत डिसहार्ट हो जाता है। रात जब सब बच्चे सो रहे होते हैं तभी अचानक रूफ से लटकते हुए लोग रूफ से नीचे आते हैं और एक एक करते बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। ये देख पीटर और नेम्स बचने की ट्राई तो करते हैं मगर आखिर में वो भी पकड़े जाते हैं। वो लोग पायरेट्स होते हैं जो बच्चों को एक फ्लाइंग शिप पे ले जाते हैं। निप्स तो शिप से बिल्डिंग पे छलांग लगा के बच जाता है मगर पीटर अपने हाइट्स के डर की वजह से शिप पे ही रह जाता है। जैसे ही शिप उड़ना शुरू करती है सोल्जर्स उस पे अटैक कर देते हैं। एक लंबी और खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। पायरेट्स बहुत मुश्किल से शिप को बचाते हुए वहाँ से निकाल ही लेते हैं और बच्चों को लिए नेवरलैंड ले जाते हैं जो रियल वर्ल्ड से बिल्कुल ही अलग होता है। वहाँ पीटर जैसे बहुत से ऑर्फन बच्चे होते हैं जिन्हें पायरेट ब्लैक बियर्ड के लिए एग्जाम माइन करने के लिए वहाँ किडनैप करके ले जाते हैं। माइन करते वक्त पीटर को वहाँ के ऑर्गेनाइजर सैम स्मीगल से पता चलता है कि एग्जाम क्रिस्टलाइज्ड फेरी डस्ट है। पहले तो पीटर ये सुन के शॉक्ड ही हो जाता है कि फेरीज एक्सिस्ट भी करती हैं। मगर फिर होश संभाल के जब वो सैम से पूछता है कि ब्लैक बियर्ड ये सब क्यों कर रहा है तो सैम उसे बताता है कि ये पूछने का हक किसी के पास नहीं है, ज्यादा सवाल करने पर वो मारा भी जा सकता है, इसलिए बेहतर है कि वो अपने काम पे ध्यान दे। रात पीटर जेम्स हुक नामी लड़के से मिलता है। वहाँ दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है मगर हुक पीटर से दोस्ती से मना कर देता है ये कहते हुए कि वो जरूरत पड़ने पर पीटर के काम नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर को एक पिक्सम मिल जाता है मगर ब्लैक बियर्ड के लोग उसे खुद ब्लैक बियर्ड को देने के लिए पीटर से पकड़ लेते हैं। पीटर जब उनसे बहस करता है तो वो पीटर को चोर बना के ब्लैक बियर्ड के आगे कर देते हैं जो पीटर को मारने के लिए हाइट से नीचे फेंक देता है। उसके बाद जो होता है वो देख के हैरानी से सबकी आंखें बाहर आ जाती हैं। पीटर जमीन पे गिरने के बजाय हवा में उड़ने लग जाता है, फिर एकदम नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो खुद को ब्लैक बियर्ड के रूम में पाता है। ब्लैक बियर्ड पीटर को नेटिव ट्राइब की भविष्यवाणी के बारे में बताता है। नेटिव ट्राइब वो ट्राइब है जो फेरी किंगडम को ब्लैक बियर्ड से प्रोटेक्ट करता है। ब्लैक बियर्ड बताता है कि उनके हिसाब से एक दिन एक लड़का आएगा जो एक ह्यूमन गर्ल और फेरी प्रिंस के प्यार की निशानी होगा और उड़ भी सकता होगा। वो ब्लैक बियर्ड को मार के फेरीलैंड को प्रोटेक्ट करेगा। पीटर उसकी ये बात ये कह के टाल देता है कि उसे बेड टाइम स्टोरीज नहीं पसंद है। ब्लैक बियर्ड पीटर को जेल में बंद करवा देता है। वहाँ उसे हुक मिलता है। दोनों के बीच डील होती है कि पीटर उसे यहाँ से फ्री करवाएगा तो हुक उसे उसकी मदर को ढूंढने में हेल्प करेगा जो कि पीटर को लगता है कि फेरीलैंड में है, क्योंकि उनके लेटर के हिसाब से वो उसे इस वर्ल्ड में या दूसरे वर्ल्ड में मिलेंगी और पीटर को ये दूसरा वर्ल्ड लगता है। हुक और सैम पीटर के साथ जेल से निकल के पायरेट शिप की तरफ जाते हैं जहाँ गार्ड्स को मारते हुए अपने रास्ते से हटा के ये लोग एक कैबिन की मदद से शिप तक जा ही रहे होते हैं तभी एक गार्ड कैबिन को रोक देता है।
पीटर फ्लाई करने से डरने पर वायर तोड़ के किसी तरह इन दोनों के साथ शिप तक पहुंच जाता है और ये तीनों ब्लैक बियर्ड और उसके लोगों से बचते वॉल क्रॉस करके नेटिव ट्राइब वाली साइड पे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम्बे रिवील होता है कि ब्लैक बियर्ड पिग्सम अपनी एजिंग को स्टॉप करने के लिए यूज करता है। यहाँ शिप आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से जंगल में जाके गिरती है। शिप के अंदर से पीटर को एक मैप मिलता है जिसकी मदद से वो नेटिव ट्राइब तक जाने का डिसाइड करता है। हुक और सैम के पास और कोई रास्ता ना होने पर वो उसे फॉलो करने लग जाते हैं। रात जब ये लोग रेस्ट के लिए रुकते हैं तो इन पे नेवर बर्ड अटैक कर देते हैं जिनकी बॉडी स्केलेटन की तरह की होती है और विंग्स बहुत ही कलरफुल से। ये तीनों उसे बचते भाग रहे होते हैं कि एक बर्ड सैम को पकड़ लेती है। तभी वहाँ नेटिव ट्राइब के लोग और चीफ की बेटी लिली आके इन तीनों को रेस्क्यू करते हैं। इन्हें लगता है कि ये तीनों बच गए हैं मगर वो इन्हें हॉस्टेज बना लेते हैं। ट्राइब ले जाके वो हुक को अपने सबसे डेंजरस वॉरियर से फाइट करने को कहते हैं तभी वो तीनों बच सकेंगे। फाइट स्टार्ट होती है और ट्राइब का वॉरियर हुक को बहुत मारता है। ये देख पीटर को बहुत बुरा लगता है और वो किसी तरह अपने हाथ खोल के हुक की हेल्प के लिए आ जाता है। वॉरियर पीटर को दूर फेंकता है और पीटर ट्राइब के लीडर के सामने जा गिरता है जो पीटर के गले में नेकलेस दे के फाइट को रुकवा देता है ये कहते हुए कि ये वही लड़का है जो उन्हें और फेरी किंगडम को ब्लैक बियर्ड से बचाएगा। सब पीटर को रिस्पेक्ट से बो करते हैं। लिली मेमोरी ट्री की मदद से पीटर को सब दिखाती है जहाँ पीटर को पता चलता है कि बहुत साल पहले नेटिव ट्राइब और फेरी किंगडम पायरेट्स के खिलाफ फाइट के लिए यूनाइट हो गए थे। फेरी प्रिंस को मैरी से प्यार हो गया था जो कि ब्लैक बियर्ड का प्यार थी। जब ब्लैक बियर्ड को इन दोनों के बारे में पता चला तो प्रिंस ने ह्यूमन फॉर्म लेके मैरी को रेस्क्यू किया मगर फेरीज ह्यूमन फॉर्म में बस एक दिन के लिए ही जिंदा रह सकते थे जिस पर प्रिंस की डेथ हो गई। मगर उसे पीटर अपनी निशानी के तौर पे देख गया जिसे ब्लैक बियर्ड से बचाने के लिए मैरी ने ह्यूमन वर्ल्ड में ही छोड़ दिया और खुद बहुत टाइम तक फेरी किंगडम में प्रोटेक्शन ली। मगर फिर हालात खराब होने पर उसने जाके ब्लैक बियर्ड से फाइट करने की ट्राई की और ब्लैक बियर्ड ने उसे हॉस्टेज बना लिया। अब पीटर हाफ फेरी होने की वजह से फ्लाई कर सकता है मगर कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ऐसा कर नहीं पाता है जिस पर ट्राइब का लीडर उसे 2 दिन का टाइम देता है। अगर वो इस टाइम में ना उड़ा तो वो लोग उसे मार देंगे। सैम जंगल में जाता है जहाँ उसे ब्लैक बियर्ड पकड़ लेता है। अपनी जान बचाने के लिए सैम उसे ट्राइब का रास्ता बता देता है। ट्राइब पहुँच के पायरेट्स वेपन्स होने की वजह से ट्राइब के लोगों के इतने कॉम्पिटिशन के बाद भी उन्हें पकड़ लेते हैं। ट्राइब के लीडर के ब्लैक बियर्ड को फेरी लैंड का रास्ता न बताने पर ब्लैक बियर्ड उसे गुस्से से मार देता है। पीटर ट्राइब वालों की हेल्प करना चाहता है मगर उड़ अभी भी नहीं पाता है जिस पर वो हिम्मत करते हुए नेवर बर्ड के ऊपर चढ़ जाता है और ट्राइब के लोगों की हेल्प करने आ जाता है जहाँ लिली को बचाने के लिए होक ब्लैक बियर्ड को बता चुका होता है कि ट्राइब में फेरी लैंड का मैप छुपा हुआ है। पीटर वहाँ पहुँच के काफी पायरेट्स को हराता है। इसका फायदा उठा के ट्राइब के लोग वापस फाइट स्टार्ट कर देते हैं। बर्ड से नीचे गिरने पर पीटर पे ब्लैक बियर्ड अटैक कर देता है जो उसे बताता है कि वो उसकी माँ को मार चुका है और ट्राइब के लोगों ने उससे झूठ बोला है। होक और लिली पीटर को रेस्क्यू करके भाग निकलते हैं। पीटर लिली से बहुत नाराज होता है कि उसने पीटर को सच क्यों नहीं बताया जिस पर लिली उसे कहती है कि अगर वो ऐसा कर देती तो पीटर डिसहार्ट हो के अपनी ही डेस्टिनी से भाग जाता। इस सब के बाद लिली होक के साथ पीटर को लिए फेरीलैंड के लिए निकल जाती है ताकि पीटर को उनसे मिलवा के वो उनकी हेल्प ले सके और ब्लैक बियर्ड को हरा सके। रास्ते में उनकी बोट पे क्रोकोडाइल्स अटैक कर देती हैं जिनमें से एक पीटर को पकड़ के पानी में ले जाता है। वो बस पीटर को खाने ही वाला होता है कि मरमेड्स वहाँ पहुँच के पीटर को रेस्क्यू करती हैं और वापस उसकी बोट पे छोड़ जाती हैं। लिली पीटर को मरमेड्स की मदद से वापस पास्ट में ले जाती है जहाँ पीटर को पता चलता है कि उसकी मदर एक वॉरियर थी जो फेरी लैंड को ब्लैक बियर्ड से प्रोटेक्ट करते करते इस दुनिया से गई है। मैरी के इस सेक्रीफाइस की आज भी सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। लिली ने भी फाइट करना उनसे ही सीखा है। ये सब जान के पीटर लिली से प्रॉमिस करता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक ये फाइट लड़ेगा और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएगा। सी में हुक को एक खाली शिप मिलती है जिस पर वो फेरीलैंड जाने के बजाय अकेला ही वहाँ से चला जाता है जबकि पीटर और लिली फेरीलैंड पहुँच जाते हैं।
वहाँ ब्लैक बियर्ड पहले ही पहुँच चुका होता है मगर उनके आने पे चुप हो जाता है। फेरीलैंड के गेट पे कुछ लिखा होता है जो सिर्फ पीटर को समझ आता है। उस राइटिंग के हिसाब से सिर्फ एक प्रिंस की स्पेशल की के साथ इस गेट को अनलॉक किया जा सकता है, जिस पर पीटर को अपना नेकलेस याद आता है। तभी ब्लैक बियर्ड वहाँ पहुँच जाता है और पीटर की लेके किंगडम का दरवाजा खोल देता है। ब्लैक बियर्ड लिली और पीटर को शिप पे टाई अप करके फेरी किंगडम में डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है। किंगडम एक बहुत ही मैजिकल और ब्यूटीफुल प्लेस होती है। पीटर फेरिस की लैंग्वेज समझ सकता है, जिस पे वो फेरिस को वहाँ से जाने को कहता है, मगर वो अपना घर छोड़ के जाने को तैयार नहीं होती। ये देख कर पीटर ब्लैक बियर्ड को रुकने को कहता है, जिसके बदले वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ब्लैक बियर्ड पीटर को उसके आगे बो करने को कहता है, मगर एक प्रिंस और एक वॉरियर का बेटा होने पर पीटर ऐसा करने से इनकार कर देता है। तभी हुक वहाँ उन्हें रेस्क्यू करने पहुँच जाता है, जिसे देख के लिली और पीटर बहुत खुश हो जाते हैं। पीटर पायरेट से बचता हुक की शिप पे चढ़ जाता है, जबकि लिली ब्लैक बियर्ड से फाइट करने में लग जाती है। दोनों के बीच एक बहुत ही कमाल फाइट होती है। ब्लैक बियर्ड को जख्मी करके लिली शिप की रोप से लटक जाती है, जिससे एक साइड से ब्लैक बियर्ड कट कर देता है। पीटर और ब्लैक बियर्ड की शिप टकराने से बैलेंस खराब होता है, जिसका फायदा उठा के लिली बच जाती है। यहाँ पीटर उसे बचाने के लिए ब्लैक बियर्ड की शिप पे जंप करने की ट्राई करता है, जबकि एक पायरेट हुक पे अटैक कर देता है। सैम से ये देखा नहीं जाता और वो लिली को बचा लेता है। हुक की शिप का बैलेंस खराब होने पर हुक नीचे गिर जाता है। पीटर ऐसे हुक को मरते देख नहीं सकता है, जिस पर वो हिम्मत करते हुए खुद हुक के पीछे छलांग लगाता है और उड़ते हुए उसे बचाकर ऊपर आ जाता है। हुक को एक सेफ हाइट पे छोड़ के पीटर लिली की हेल्प करने जाता है, जो इतने सारे पायरेट्स को अकेले ही कंपटीशन दे रही होती है। फेरिस भी पीटर को उड़ता देख ज्वाइन कर लेती हैं। ये बहुत ही मैजिकल मोमेंट होता है। फेरिस जाके पायरेट्स पे अटैक कर देती हैं। एक एक करके वो सब पायरेट्स को मार देती हैं। सिर्फ ब्लैक बियर्ड बच जाता है। लास्ट में वो ब्लैक बियर्ड पे अटैक कर देती हैं। ब्लैक बियर्ड को फेरिस के हवाले करके पीटर लिली को लिए उड़ता हुक के पास पहुंच जाता है, जबकि ब्लैक बियर्ड की शिप डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो मर जाता है। फिर इस पीटर की मदर की शक्ल लेके उसे मैरी का मैसेज देती हैं, जिसमें मैरी पीटर से कहती है कि वो अब अपने लोगों में है और उसे हमेशा ऐसे ही इनके साथ रहना है। वो उसे नेवरलैंड का सेवियर कहती है और हमेशा ऐसे ही इन्हें प्रोटेक्ट करने को कहती है। लास्ट सीन्स में पीटर लिली और हुक शिप के न्यू कैप्टन बने हुए ऑर्फनेज से सब बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। पीटर वापस अपने दोस्त निप से मिल जाता है। लिली और हुक एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं। पीटर और हुक हमेशा ऐसे ही दोस्त बने रहने का वादा करते हैं, जिसके बाद ये सब बच्चों को लिए नेवरलैंड के लिए निकल जाते हैं। यही मूवी एंड हो जाती है।